गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर कंटिन्यू आवर चैप्टर 3 पार्ट 7 पेज नंबर 129 एंड 130। एक्सरसाइज 3E, अ मैच बॉक्स कंटेन्स, इसमें स्टूडेंट्स आज हम करेंगे स्टोरी प्रॉब्लम्स। अ मैच बॉक्स कंटेन 50 स्टिक्स, एक मैच बॉक्स में कितनी स्टिक्स आती हैं? 50 स्टिक्स आ रही हैं। How many sticks are there in 25 such match boxes? अब हमें ये बताना है कि 25 match boxes में कितनी sticks आएंगी। तो match box contain sticks। Sticks in 25 match boxes. तो क्या हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाई 25। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 50 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 25 से करेंगे। 50 मल्टीप्लाई 25, स्टार्ट 500, 5 5 25, 200, 2 5 10। अब ऐड करेंगे 0 5 2 1। अब 25 मैच बॉक्सेस में कितनी स्टिक्स आ जाएंगी? 1250 स्टिक्स। कितनी आ जाएंगी? 1250 स्टिक्स। तो अब हम क्या लिखेंगे? हैंस 25 मैच बॉक्सेस इन 1250 स्टिक्स। हैंस 25 मैच बॉक्सेस इन 1250 स्टिक्स। कितनी स्टिक्स? 1250 स्टिक्स आ जाएंगी। कितने मैच बॉक्सेस में? 25 मैच बॉक्स के अंदर, और 1 के अंदर कितनी आ रही थी? 50। मैच बॉक्स कंटेन स्टिक्स, 1 मैच बॉक्स। ओके स्टूडेंट, ए मैच बॉक्स कंटेन स्टिक्स कितनी? 50 स्टिक्स इन 25 मैच बॉक्सेस। 50 मल्टीप्लाई 25, इसको हमने मल्टीप्लाई किया और हमें पता चल गया कि 25 मैच बॉक्स में कितनी स्टिक्स आ जाएंगी? 1250 स्टिक्स। नेक्स्ट चलिए सेकंड स्टोरी प्रॉब्लम पर। अ कार ट्रेवल 115 किलोमीटर इन 1 आवर। एक कार है जो कि 115 किलोमीटर कवर करती है 1 आवर के अंदर। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 24 आवर्स। कितनी दूर चली जाएगी वो कार 24 आवर्स में? 1 आवर का हमें बताया गया है 115। तो स्टार्ट फ्रॉम कार ट्रेवल इन 1 आवर। A car travel in 1 hour. कितना? 115 किलोमीटर। ओके, अब हमें बताना है how far will it travel in 24 hours? Travel in 24 hours. Travel in 24 hours. कितनी दूर चली जाएगी 24 hours में? 115 multiply 4. तो 115 को multiply कीजिए
24 से 150 मल्टीप्लाई बाय 4 5 जा 22 कैरी ओवर 4 1 जा 4 प्लस 2 6 4 1 जा 4 2 5 जा 10 1 कैरी ओवर 2 1 जा 2 प्लस 1 3 2 1 जा 2 0 6 7 2 कितनी चली जाएगी 2760 किलोमीटर चलेगी वो 24 आवर्स के अंदर हैंस हैंस कार ट्रेवल इन 24 आवर्स 2760 किलोमीटर स्टूडेंट समझ आ गया आपको. नेक्स्ट चलिए स्टोरी नंबर 3. अ कैंडल फैक्ट्री प्रोड्यूस 528 कैंडल्स इन अ डे. एक कैंडल फैक्ट्री है जो कि एक दिन के अंदर कितनी कैंडल प्रोड्यूस करती है 528 कैंडल्स. हाउ मेनी कैंडल्स विल दिस फैक्ट्री प्रोड्यूस इन 139 डेज. एक दिन में कितनी कर रही है 528 और 139 डेज में कितनी कैंडल प्रोड्यूस करेगी. हमें क्या करना पड़ेगा इसमें मल्टीप्लाई 528 मल्टीप्लाई 139 स्टार्ट प्रोड्यूस कैंडल्स इन वन डे. Produce candle in multiply 139. So, इसको multiply कीजिए 528 को 139 से 9 8 जा 72 7 कैरी ओवर 9 2 जा 18 प्लस 7 25 2 कैरी ओवर 9 5 जा 45 प्लस 2 47 3 8 जा 24 2 कैरी ओवर 3 2 जा 6 प्लस 2 8 3 5 जा 15 नेक्स्ट चलिए स्टूडेंट वन से कीजिए अब वन एट जा एट वन टू जा टू वन फाइव जा फाइव टू नाइन एट प्लस सेवन फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस एट ट्वेंटी थ्री टू कैरी ओवर फोर प्लस टू सिक्स प्लस फाइव इलेवन प्लस टू थर्टीन वन कैरी ओवर वन प्लस वन टू प्लस फाइव सेवन 73,392 candles in 139 days. Hence, candle produce समझ आ गया. सबसे पहले आप स्टोरी को रीड करेंगे उसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे. गुड डे. स्टे सेफ. स्टे होम.